नमस्कार दोस्तों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग के पेपर का एनालिसिस करेंगे। आज जिन बच्चों का पेपर था वो जरूर एनालिसिस करें, तथा जिन बच्चों का भी एग्जाम नहीं हुआ वो भी इस पेपर का एनालिसिस करके जरूर जाए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में वापस से रिपीट हो रहे हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, तथा बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपको अगले क्लास नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही इन पेपरों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए भी आप डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ पर काफ़ी बच्चे हैं जो रोज एग्जाम दे के आते हैं और फिर आपस में क्वेश्चन शेयर करते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी प्रॉफिट मिलता है, तो आप वहाँ से जरूर करना। तो ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, स्टार्ट करते हैं। और आपका पहला क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया था? क्वेश्चन है, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो बता दोस्तों कौन सा ठोस बनता है? तो दोस्तों वो होता है शंकु, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक अर्धवृत्त अपने व्यास के चारों ओर घूमता है तो कौन सा ठोस बनता है? तो दोस्तों वो बनता है आपका गोला। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, यह एक ज्योमेट्रिक कर्व है जिसका प्रयोग गियर के दांतों को बनाने में होता है। तो किसका होता है दोस्तों? तो दोस्तों वो होता है आपका इनवोल्यूट। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो बता दोस्तों एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती है? तो उसमें चार सतह होती है, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम राइट होगा। क्वेश्चन अगला है दोस्तों, और क्वेश्चन क्या है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में आपकी छः सतह होती है। क्वेश्चन अगला है, ड्राइंग बोर्ड के कई भाग होते हैं, इसके बैठने का उद्देश्य है? तो बता दो इसका क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में दे नहीं रखा है, ठीक है, तो इसका वो आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा कि स्ट्रिप को जोड़ना। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेक्ट चांदे कोण मापने का उपकरण है? तो बताओ दोस्तों किसने बताओ, तो ये मापता है कोण को डिग्री में, यानी डिग्री में कोण को, तो इसका राइट आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झुके हुए अक्षर जिन्हें वर्टिकल से 15 डिग्री पर झुकाया होता है कहलाते हैं? तो बता दोस्तों कौन से कहलाते हैं? तो वो आपके इटैलिक्स लेटर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, दो बिंदुओं के बीच कम से कम दूरी को कौन सी रेखा कहते हैं? सभी को पता है उसको सरल रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक गमनकर्ता बिंदु अपनी दिशा बदलता रहता है, इस प्रकार बनी रेखा का नाम बताइए। तो बताओ दोस्तों जो अपनी दिशा बदलता रहता है वह कौन सी होती है? तो सभी को पता है वो वक्र रेखा होती है, यानी उसे कवर रेखा भी कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है, एक सर रेखा जो न वर्टिकल और ना ही हॉरिजॉन्टल है, उस लाइन को क्या कहते हैं? तो बताओ दोस्तों उस लाइन को क्या कहते हैं? सर रेखा कहते हैं, वक्र रेखा कहते हैं, झुकी हुई रेखा कहते हैं? तो दोस्तों इसमें आपकी जो रेखा होती है उसे वक्र रेखा कहते हैं, यानी न हॉरिजॉन्टल न वर्टिकल, यानी इस प्रकार इसके बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। अगला, एक वर्त में कितनी डिग्री होती है? तो सभी को पता है एक वर्त में आपकी 360 डिग्री होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अधिक कोण का मान होता है? तो बताओ दोस्तों अधिक कोण का मान क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम के कोण को 90 डिग्री, अगर वृत्त कोण होता तो वो 180 से अधिक और 360 से कम होता। अगला है, निम्न में से किस कोण का मान स्थिर होता है? तो बताओ दोस्तों किस कोण का मान स्थिर होता है? सभी को पता है सरल कोण का मान स्थिर होता है, वो 180 डिग्री होता है। अगला क्या, निम्न में से कौन सा वृत्त का भाग नहीं है? तो बताओ दोस्तों इनमें से वृत्त का भाग कौन सा नहीं है? सभी को होता है वृत्त में केंद्र होता है, ठीक है, परिधि होती है इसमें, यह आ गई परिधि, और अर्धव्यास यह आ गया, ठीक है, यह त्रिज्यी, उसमें विकर्ण नहीं होता है। क्या नहीं होता है? विकर्ण, यानी आपका बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्त की स्पर्श रेखा उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है? तो बताओ दोस्तों वर्त की स्पर्श रेखा वर्त उसके केंद्र के साथ यह कोण बनाती है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 75, 90, तो इसमें आएगा 90 डिग्री। अगला है, न्यून कोण त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है? तो दोस्तों वो होगा आपका न्यून कोण, समकोण ए व बी दोनों कोई नहीं। तो ध्यान रखना न्यून कोण का त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान दोस्तों इसमें 90 से कम होता है, ठीक है, तो इनमें से न तो न्यून होगा न समकोण तो होगा नहीं, वैसे नहीं होगा, ए व बी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्थिर बिंदु के समान दूरी को परिपथ द्वारा बनाई गई रचना कहलाती है? तो बताओ दोस्तों
एक स्थिर बिंदु के समान दूरी पर परिपथ द्वारा बनाई गई रचना क्या कहलाती है? तो बताओ दोस्तों वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी आपकी वर्त कहलाएगी, यानी स्थिर बिंदु है, स्थिर बिंदु समान दूरी पर इस प्रकार वर्त बनता है, तो ये आएगा वर्त, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, क्वेश्चन क्या है? वर्त के केंद्र को यदि परिधि से मिला देते हैं तो यह रेखा कहलाती है, यानी वर्त का केंद्र है और वर्त के केंद्र से यदि परिधि तक मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगी? वह त्रिज्या कहलाएगी, यानी वर्त का केंद्र यह आ गया और आपका परिधि यह आ गई, तो ये बिंदु क्या कहलाएगी? आपकी त्रिज्या, ठीक है, वर्त के केंद्र को यदि परिधि, हाँ सही है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इस चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समान होते हैं, वह परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो बताओ दोस्तों वो क्या कहलाएगा? तो दोस्तों वो आपका वर्ग कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है, समकोण त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान होगा, यानी समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण का मान 45 डिग्री है, ठीक है, एक कोण का मान 50 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान क्या होगा? सभी को पता है यह समकोण हो गया। अब समकोण में आपको पता है कि माना कि इसमें आपका ये तो 90 डिग्री हो गया, ये आ गया, तो ये बच गया कोण, ये बच गया जो कोण आपका कितने डिग्री का है, तो ये बच गया जो कोण आप निकाल सकते हो कि आपका जो 90 प्लस 50 कितने हो गए, 140, यानी इसमें 40 डिग्री बच रहा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।